कितना हो जाएगा भैया, क्या लगता है आपको? 11 बज रहा है तो 3 तो बज ही जाएगा। 3 नहीं बजेगा भैया। अरे आप ऋषि भाई के साथ बैठे हो, प्लेन बनाओगे? प्लेन बना देंगे चारों, हम तो कह रहे चारों दरवाजे खोल के एकदम उड़ान भर दी जाए, टेक ऑफ किया जाए, उसके बाद वहीं से लैंड करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह व्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस तारीख है आज अपनी 5 फरवरी 2024 और समय हो रहा है दोस्तों, कितना हो रहा है समय अभी दिखा रहा हूं दोस्तों यार मैं, ये देखिए 9:44 हो चुके हैं, 9:45 बज चुके हैं, गैस आप देख सकते हो एकदम शिखर पे जा चुकी है। क्योंकि यार मैं ना अभी ये सीएनजी पंप के पास में ही खड़ा हूँ, बिल्कुल निकल के ही खड़ा हूँ, गैस मैंने जस्ट अभी डलवाई और गैस आई दोस्तों 710 रुपए की। क्योंकि जैसा कि मैंने कल आपसे बताया भी था ना कि गैस अपनी रिजर्व पे लगी थी उस समय जिस समय जो है हमने कस्टमर को ड्रॉप किया था, तो रिजर्व वाला ऑलमोस्ट पड़ा ही हुआ था, तो प्रेशर यहाँ पे अच्छा था, तो इसकी वजह से वो अपना 70-80 रुपए की पड़ी हुई थी, 710 की ये आ गई, गैस अपनी फुल हो गई। ठीक है ना गाइस, तो अभी ना यार दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ कि डिवाइस ऑन करूँ, क्योंकि डिवाइस ना यार मैंने अभी तक फिलहाल ऑफ कर रखी है, ऑन करी नहीं है। और एक मन ये भी कर रहा है यार कि आज सोमवार है तो पहले मंदिर चल लेते हैं, उसके बाद जो है फिर ये देखो भाई डिवाइस ऑफ है ना अपनी 9:44, तो यही इस मन में आ रहा है कि सोमवार है यार, पहले मंदिर जो है हो लिया जाए, बाबा के दर्शन कर लिए जाए, क्योंकि पिछले बार मंडे को जा नहीं पाए थे यार, हम कहीं चले गए थे शायद, तो रात में आए थे लेट, तो इसकी वजह से जा नहीं पाए थे। तो यार हम यही सोच रहे हैं भाई कि चलते हैं, पहले बाबा के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइस ऑन करेंगे लगा रहे हमें, क्योंकि पता चला फिर अभी हम ऑन कर लें मंदिर चले, बीच में अगर मान लो आ जाती है तो फिर दिक्कत होगी, डिस्टर्बेंस होगा मंदिर जाने में, है ना गाइस? तो यही करते हैं यार, है ना, पहले मंदिर चलते हैं, उसके बाद जो है बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद जो है डिवाइस ऑन करते हैं और फिर देखते हैं काम का सीन अगी। यार ये सीट बेल्ट बहुत टुरुन टुरुन करती है भाई, एक मिनट गाइस जरा हम लगा लें इसको, अदरवाइज पता है आवाज आएगी। तो यही करते हैं यार गाइस, ठीक है ना, मंदिर चलते हैं बढ़िया और उसके बाद काम का सीन देखते हैं। बाकी कल वाला काम का सीन तो आपने देखा ही होगा यार गाइस, बिल भाई कतई जहर आया था, मतलब भाई समझो यार 11,500 रुपये का बिल, 565 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली थी, प्राइवेट में बताओ कितना कम पैसा होता है ना, ओला वाले कितना पैसा लेते हैं भाई। लेकिन एक चीज़ है भाई, मज़ा आ गई थी, खाना जरूर नहीं परसों मिला था लेकिन मज़ा आ गई थी। तो अभी ना दोस्तों सीधा मंदिर चलते हैं और मंदिर चल के ना फिर देखते हैं काम का सीन कैसा रहेगा आज का, क्योंकि अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब टाइम हुआ नहीं है यार गाइस, अभी 10 भी नहीं बजे हैं, तो बढ़िया मे बी के 10:30 तक फ्री हो जाएंगे हम मंदिर जाके, और उसके बाद जो है काम का वेट करने लगेंगे डिवाइस ऑन करके, है ना गाइस? तो चलते हैं सीधा और देखते हैं बाबा अपने आज क्या चमत्कार करके दिखाते हैं हम लोगों के साथ में, ठीक है ना गाइस? और बाकी अभी मैं अपना 80 फीट रोड पहुंच चुका हूं, तो सीधा चलते हैं यार बाबा आनंदेश्वर धाम, मतलब अपने भोले बाबा के पास में, ठीक है ना गाइस? तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले ना मंदिर चलते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यार मैं विजयन स्वरूप पार्क के पास में पहुंच गया हूं और मैंने ना यार प्रतीक भाई को कॉल किया, तो वो कह रहे थे हम भी जा रहे हैं मंदिर, तो हम सोचे कहे के लिए गाड़ी लेके जाना है, उन्हीं की स्कूटी से लटक के चले जाएंगे, तो बस भाई जैसे ही वो आते हैं फिर मंदिर चलेंगे और फिर ना तुरंत डिवाइस ऑन करेंगे। अच्छा स्कूटी से जाने से एक बेनिफिट हमको और मिल जाएगा, पता है क्या, मतलब जल्दी चले जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे भाई, टाइम थोड़ा बचेगा क्योंकि कार वार में ट्रैफिक में फंस जाते हैं ना भाई, तो स्कूटी से जाने से ना समय भी बचेगा, सीएनजी भी बचेगी, समझ रहे हो ना मेरी जान? तो वेट करते हैं प्रतीक भाई का, वो आ जाए फिर चलते हैं, ठीक है ना गाइस? तो गाइस अपने प्रतीक दादा आ चुके हैं और मैं स्कूटी में बैठ रहा हूँ और हम लोग निकलने वाले हैं सीधा मंदिर की तरफ। चलो भैया, क्या गरमार हो गया गाड़ी, बुलेट बनाओगे क्या? चलो यार दोस्तों मंदिर के दर्शन मतलब बाबा के दर्शन करके ना फिर भाई काम को शुरू करेंगे, ठीक है ना गाइस? तो चलते हैं सीधा हम लोग। देख रहा हूँ भैया व्लॉगिंग चल रही है आजकल, व्लॉगिंग, ये भैया, ये प्रतीक दादा, ये भैया चेहरा देखो, चेहरा देखो, चेहरा, हाय दैया रे दैया। सो गाइस मैं बता दूं आपको कि फाइनली ना हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं और मैं जा रहा हूँ वापस से अपने विजयन स्वरूप पार्क की तरफ। तो अभी ना गाइस मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइस को ऑन करूंगा और काम का वेट करूंगा और जैसे ही कोई काम आता है फिर मैं आपको बताता हूँ। ये रहे अपने प्रतीक दादा, ठीक है ना गाइस? जय बाबा की, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो गाइस मैं बता दूंगा आपको कि समय ना यार काफी ज्यादा हो चुका है, मतलब दोपहर के बज चुके हैं 2:38 भाई साहब, 3 बजने जा रहा है। और राइड का सीन कुछ ऐसा था कि मेरे पास यार हमने फिलहाल तो आधे घंटे से डिवाइस ऑफ कर रखी है, लेकिन आधे घंटे पहले तक अपने पास कोई भी राइड नहीं आई थी। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आधे घंटे से मैंने डिवाइस इसलिए ऑफ कर रखी थी क्योंकि आधे घंटे पहले ना मेरे पास आ चुका था एक कस्टमर का फोन, मतलब प्राइवेट वाले एक भैया का फोन आ गया था, ठीक है ना गाइस?
तो उनको ना मुझे लेके जाना है प्राइवेट में, तो इसकी वजह से ना चूंकि राइड अपने पास प्राइवेट आ चुकी थी, तो मैंने क्या सोचा ना कि भाई डिवाइस को अब अभी हम लोग ऑफ कर देते हैं, क्योंकि पता चला कोई राइड आएगी जाना हमको प्राइवेट में है ही, या फिर क्या ही मतलब है फालतू में वो कैंसिल होगी तो अपना ना परफॉर्मेंस खराब होगा। चूंकि यार इस समय अपने पास ओला की आउट स्टेशन फिलहाल 2-4 दिनों से आ जा रही है, तो हम नहीं उसको बर्बाद करना चाह रहे थे, तो इसकी वजह से डिवाइस ऑफ कर दी थी। तो अभी ना गाइस चूंकि आधे घंटे पहले कस्टमर का फोन आया था कि आधे घंटे बाद हमको जो है जाना था कस्टमर के लोकेशन पे, तो मैं अभी ना निकल रहा हूँ क्योंकि आधा घंटा हो चुका है, समझ रहे हैं आप लोग। तो अभी ना चलते हैं, 10 मिनट के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा कस्टमर को लेने, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर चलना नहीं है, मुश्किल से यहाँ से 1.5 किलोमीटर ही है, तो 5-7 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद ना फिर अपन लोग शुरू करेंगे अपनी आज की राइड, ठीक है ना गाइस। ट्रिप में वहां पहुंच के जीरो कर लूंगा, जिससे कि ये भी पता चलेगा कि अपनी गाड़ी टोटल चल कितनी जाएगी इस वाली राइड पे जिस पे मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है ना ब्रो। तो बने रहिएगा चैनल पे आगे की अपडेट्स जानने के लिए, ये जानने के लिए कि आज ना अपना काम कितना हो जाएगा और कितनी बचत हो जाएगी प्राइवेट राइड की, ठीक है ना ब्रो। सो गाइस देख सकते हैं आप, मैं पहुंच चुका हूं अपने इलाहाबाद वाले हाईवे पे, और अभी ना गाइस मैं मोहनपेड़ा के पास में खड़ा हूं। बात ये थी ना दोस्तों कि मैं आया तो उधर से था, समझ रहे हैं आप, लेकिन बात ये हुई ना कि भैया को यहां पे नाश्ता करना था, तो फिर आगे से यू टर्न लिया और यू टर्न लेके ना अंडरपास के नीचे से आके भाई यहां पे गाड़ी लगाई। तो अभी ना गाइस बस वेट करते हैं, नाश्ता वाश्ता यहां पे करते हैं और उसके बाद ना निकल चलते हैं सीधा हम लोग अपने भैया के ड्रॉप लोकेशन की तरफ, ठीक है ना ब्रो। सो गाइस देख सकते हो आप, मैं अभी इलाहाबाद जंक्शन के बिल्कुल जस्ट सामने ही खड़ा हूँ, और गेट नंबर कौन सा है, ये गेट नंबर है 4, समझ रहे हो गाइस। तो गेट नंबर 4 के जस्ट सामने खड़ा हूँ, क्योंकि जो अपना ड्रॉप लोकेशन था ना भाई, वो स्टेशन के जस्ट सामने ये वाला घर के आसपास था। तो अभी ना करना क्या है कि हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ी देर भैया का, तो भैया अपनी मम्मी को छोड़ने गए हुए हैं, बस जैसे ही वो आएंगे काफी, तो इसकी वजह से ना भाई समय हमको काफी ज्यादा लग गया। और अभी भी ना गाइस हम अभी इसी स्टेशन के जस्ट सामने ही खड़े हुए हैं, और ये वाला घर है जिसपे मैं आया हुआ था, तो एडवोकेट साहब का घर है भाई, ज्यादा नहीं दिखा, नहीं दिक्कत ना हो जाए हमको, है ना। तो यार फिलहाल मैं इलाहाबाद आया हूँ, और स्टेशन देख के आपको पता ही चल गया होगा, और अपने सूफिया व्लॉग्स भाई हैं एक, वो यहीं के हैं। तो भाई यार एक्चुअल में ना मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी हम 10 से 15 मिनट में यहाँ से निकलेंगे कानपुर के लिए, अदरवाइज हम आपको फ़ोन ज़रूर करते हैं यार भैया, समझ रहे हो आप, तो थोड़ा सा फ़ोन नहीं कर पाएंगे, इस बात को समझना। वरना यार अगर हमको यहाँ रुकना होता ना, मतलब 2-4 घंटे या 1-2 घंटे भी रुकना होता, तो हम आपको कॉल ज़रूर करते और फिर मिल के जाते, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं यार, ज़्यादा रुकना नहीं है ना, और चूंकि 10 बज चुका है, तो भैया बस जैसे ही आते हैं वैसे ही अपन ना यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना ब्रो। और बाकी वेट करते हैं, वो तो 10 बज गया है, आधे घंटे में आ जाए तो बढ़िया ही रहेगा, 10:30 तक निकल चलेंगे, है ना। और 209 किलोमीटर गाड़ी चली है, तो क्या लगता है वापसी में, पता है पूरी 209 नहीं चलेगी यार, क्योंकि हमेशा ये होता है आने में जितनी चलती है ना 2-4-5 किलोमीटर कमी हो जाती है वापसी में, है ना, पता नहीं क्यों ये चीज़ हमने हमेशा देखी है। तो अभी ना गाइस वेट करते हैं और देखते हैं कब तक निकलते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है ना ब्रो। सो गाइस मैं बता दूं आपको कि मैं ना यार भैया को लेकर के सीधा निकल पड़ा हूँ कानपुर की तरफ, और अभी ना गाइस मैंने इलाहाबाद को भी क्रॉस कर दिया है, और मैं ना यार बमरौली भी क्रॉस कर चुका हूँ, और निकल पड़ा हूँ सीधा कानपुर के लोकेशन की तरफ, मतलब कि अपने घर की तरफ और भैया के घर की तरफ भी। तो गाइस अभी ना समय की अगर बात करी जाए, तो अभी रात का ना लगभग 10:58, मतलब कि 11 बजने जा रहे हैं, और शायद के हमको और भैया को पहुंचने में टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, क्या लगता है आपको, 11 बज रहा है, तो 3 तो बज ही जाएगा, 3 नहीं बजेगा भैया। अरे आप ऋषि भाई के साथ बैठे हो, प्लेन बनाओगे, प्लेन बना देंगे चारों, हम तो कह रहे चारों दरवाजे खोल के एकदम उड़ान भर दी जाए, टेक ऑफ किया जाए, उसके बाद वहीं सीधे लैंड करेंगे, पता है ना एयरपोर्ट पीछे निकल गया था, रनवे था, रनवे यहाँ पे तो गड्ढे हैं बड़े बड़े, तो दिक्कत होगी हम लोगों को एकदम से जो है स्पीड में लाने में ना, तो फिर भी 2.5 तो मानी लो, 2.5 तो क्या 11 है ना, 12 एक दो बमरौली हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, मतलब जाम वाला एरिया तो ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है। तो गाइस मतलब आप समझो 2 से 2.5 के बीच में ना पहुंच जाएंगे लगभग, है ना। तो बाकी चलते हैं सीधा, और फिर मैं आपको जो है पहुंच के बताता हूँ कि मैं पहुंच गया, ठीक है ना गाइस। तो चलते हैं सीधा रोड पे, ध्यान जो है हम लोग ज्यादा देते हैं और वीडियोस पे थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि भाई गाड़ी है ना यार देख के चलानी पड़ेगी, है ना गाइस, क्योंकि इस समय शादी का माहौल है और आधे से ज्यादा लोग टुन्नों के चल रहे हैं, क्यों भैया,
टन हो गया। तो चलते हैं गाइस बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा कानपुर हम लोग, ठीक है ना मेरी जान। सो गाइस मैं बता दूं आपको कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको बताऊं कैसे, क्योंकि देखिए समय हो रहा है 3:14, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है ना गाइस। और सामने के नजारे कुछ यूं है, मतलब भयंकर सन्नाटा है भाई, घोर वाला भयंकर, ठीक है। चूंकि सर्दी है तो भाई सन्नाटा तो हो गई। तो 3:14 हो चुका है, अब हम आपको क्या बताएं कि गाइस मैं पहुंच चुका हूं रात के 3:15 पे कि सुबह के 3:15 पे, क्या सुनना पसंद करेंगे आप। खैर दोस्तों जो आपको अच्छा लगे ना आप वो जोड़ लीजिए। मकान में सन्नाटा देखो कितना एकदम भयंकर दरिंदों वाला मकान लग रहा। तो अभी ना गाइस अपनी जो गाड़ी चली है, मतलब मैंने भैया को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद जो गाड़ी टोटल चली है ना वो चली है 411.8, मतलब के लगभग 412 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस राइड पे मैंने टोटल भैया से पैसे लिए हैं केवल और केवल 4,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों 11 किलोमीटर का पैसा मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि यार एक्चुअल में बात क्या थी ना कि भैया जो है ना वो ऑलरेडी यार इतना खर्च कर देते हैं मेरे ऊपर कि यार मतलब भैया के साथ ना बिल्कुल प्रोफेशनली वाला सिस्टम हमको खुद को ही नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल बड़े भाई जैसे रखते हैं यार, मतलब बिल्कुल हमको छोटे भाई जैसा रखते हैं। मतलब आप समझो भाई जाते समय खिलाया, आते समय पूरा खाना खिलाया, इसकी वजह से भाई हमको 3:15, अदरवाइज ना मतलब हम 2:15 पे आ जाते, लेकिन वो लगभग 45 मिनट 1 घंटा जो है खाने में लग गया वापसी में, तो इसकी वजह से टाइम हो गया। और ये अपने को मिले हैं पैसे, मतलब 1, 2, 3, 4, आई होप आपको देख रहे होंगे, 5, 6, 7, 8, ये 8 मतलब 4,000 रुपए अपने 400 किलोमीटर के, और ये 100, ये 200, ये 200 रुपए अपना टोल का है भाई, ठीक है। तो टोटल ना गाइस अपना 4,000 रुपए का बिल बना, और इस 4,000 रुपए के बिल को कमाने के लिए टोटल हम लोगों को गैस स्पेंड करनी पड़ी अपनी लगभग 710 रुपए की हमने डलाई थी सुबह जब हम घर से निकले थे। और इसके अलावा हमने लगभग 650 रुपए की गैस जलाई थी इलाहाबाद में, क्योंकि दोस्तों इलाहाबाद में गैस थोड़ी सी सस्ती है कंपैरिजन टू कानपुर, तो इसकी वजह से वहां 650 पे ही फुल हो गई थी। आते आते ना मेरी गैस रिजर्व पे जरूर लग चुकी है दोस्तों, मतलब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, गैस अपनी रिजर्व पे लग चुकी है लेकिन आ गई है भाई। तो टोटल ना अपना आप ये मान सकते हो कि खाने की डकारें अभी भी आ रही है, ये मान सकते हो गाइस कि अपना टोटल ना 710 की एक, 650 की एक, मतलब 714 1400 रुपए का राउंड फिगर आप अगर पकड़ के चलो तो 1400 रुपए की गैस लगी है अपनी इलाहाबाद के अपडाउन में, और 4,000 रुपए टोटल मैंने लिए हैं, तो उसमें अगर हम लोग 1400 माइनस करेंगे तो अपना 2600 रुपए बच जाएगा। टाइम जरूर दोस्तों लगभग 3:30 बजे का हमको घर पहुंचने में, लेकिन 2600 रुपए बचा लिए तुम्हारे भाई ने आज फिर से, मतलब गैप नहीं किया भाई। उधर देखो हम परसों के दिन कमा के ही आए थे, 2 दिन बाद जो आए थे राइड पे, है ना, ओला वाली राइड थी अपनी वहां की गोला गोकर्णनाथ की, और उसके बाद फिर दिन नहीं खराब हुआ। सुबह हमको लेट हो गया था, मतलब मंदिर वंदिर चले गए थे इसकी वजह से, लेकिन बाबा की दया भाई राइड दिला दी तो पैसा आ गया, और पैसा आ गया तो मजा आ गई, और मजा आ गई तो अब ना गाइस तुम्हारा भाई सीधा घर जाएगा, क्योंकि रात के या सुबह के 3:15 बज चुके हैं भाई, ठीक है। हालांकि यहाँ से मेरा घर ज्यादा दूर है नहीं, क्योंकि पास में ही थे अपने कस्टमर, यहाँ से नीचे जाऊंगा लेनिन पार्क आ जाएगा, और उससे 200-250 मीटर पे मेरा घर आ जाएगा, ठीक है ना ब्रो। तो सीधा चलते हैं घर, और व्लॉग को ना गाइस यहीं से करते हैं एंड। बाकी चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ना गाइस फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऋषि सिंह व्लॉग्स में ना ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लंबी लंबी अर्निंग और बड़ी बड़ी अर्निंग के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है ना ब्रो। तो मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहो, और देखते रहें ऋषि सिंह व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।